हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला मॉपअप राउंड होता है क्या है। जैसा कि आपके सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि भैया अभी हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये मॉपअप राउंड क्या है, मॉपअप राउंड होता क्या है, देन उसके बाद में इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको हर एक छोटा सा बड़ा अपडेट दे दिया जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपका आईसीआर का भी काउंसलिंग चल रहा है। आपने अपने काउंसलिंग में आपको सीट भी मिला होगा। अब आप बोल रहे हो कि भैया क्या मैं सीट को छोड़ने के बाद में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्या कर पाओगे, तो वो सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मॉपअप राउंड क्या होता है, पहले आपको एक बार अच्छे से बेसिक से समझा देता हूँ, जो आपको समझ आ जाएगा। देखो, जैसे कि आईसीआर के आपके नॉर्मल राउंड के होते हैं, जैसे देखो फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, फोर्थ राउंड हुआ, उसके बाद में होता है मॉपअप राउंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड, जैसे अभी आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ गया था, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आपका आ गया, ये डन हो गया। अब आप बोलो भैया मैंने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड किया, ठीक है, आप सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड कर दोगे, थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर दोगे, फोर्थ राउंड के लिए, फोर्थ राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर पाते हो। अब जब इन फोर राउंड कंप्लीट होने के बाद में जो सीट वैकेंट बच जाती है, फोर्थ राउंड मतलब चारों राउंड कंप्लीट होने के बाद में जो सीट वैकेंट बच जाती है, उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है मॉपअप राउंड। जो बची हुई सीटों के लिए मॉपअप राउंड होता है, और नो डाउट इसमें भी बहुत सारा सीट बचता है मॉपअप राउंड के लिए भी, तो उसको मॉपअप राउंड करते हैं। मतलब चार बार जो आपका आईसीआर का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो सीट बचती है उनके लिए मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया जाता है। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे देखते चलो वन बाई वन, ध्यान से समझते चलना। देखो, नो अपग्रेडेशन परमिट इन द मॉपअप राउंड, मतलब मॉपअप राउंड के अंदर में आप कोई भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे, इस चीज को ध्यान रखना। मॉपअप राउंड के अंदर आप सोचो मॉपअप राउंड में क्या, भाई एक ही राउंड होता है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। मॉपअप राउंड के अंदर आपको सीट मिला और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी यानी 10,000 रुपये पे कर दिया, 10,000 रुपीज पे कर दिया, तो वो रिफंड नहीं होगा, वो रिफंड नहीं होगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। तो द ऑप्शन, देखो ऑप्शन फॉर विथड्रॉल एंड कैंसिलेशन सीट एक्सेप्टेंस नॉट बी अवेलेबल टू द कैंसिलेशन सीट एक्सेप्टेंस फी नॉट रिफंडेड, मतलब फी रिफंड नहीं होगा आपका, ठीक है ना, मॉपअप राउंड के अंदर। तो दो पॉइंट आपको समझ आया। तीसरा पॉइंट कि भाई जिसका नेगेटिव में मार्क्स है, ओवरऑल नेगेटिव में मार्क्स है या जीरो मार्क्स है, तो वो भाई मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको साफ साफ लिखा हुआ है नॉट अलाउड मॉपअप राउंड, अगर उसके जीरो नेगेटिव मार्क्स है। अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उस चीज को ध्यान रखो। देखो सबसे पहले भाई, देखो जिन भी स्टूडेंट को द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड और एडमिट और विथड्रॉ देयर सीट अलॉटमेंट इन द नाइट, कहने का मतलब जिनको भी सीट मिल गया, जिन भी कैंडिडेट को सीट मिल गया आईसीआर के वन से फोर राउंड के अंदर में, जिनको भी सीट मिल गया, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान से सुन लेना। दूसरा कैंडिडेट ऐसे देखो, जिनको या तो सीट मिल गया एडमिट हो गए, वो भी एलिजिबल नहीं है, और जिन्होंने अपना सीट कैंसिल करा लिया वो भी एलिजिबल नहीं है, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब डिड नॉट मीट प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करते, तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखो, ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रैंक कार्ड आया, पहली चीज तो ध्यान सुनो भाई, जिनका रैंक कार्ड आया है, जिन्होंने रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वही इसके लिए एलिजिबल है, वही कैंडिडेट एलिजिबल है। जिन्होंने रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, केवल सीयूईटी का एग्जाम दिया था, तो भाई वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ है एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड, मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था, मतलब जिसने चॉइस रिंग नहीं किया था, 500 रुपये पे नहीं किया था, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, मतलब वो दोबारा से 500 रुपये पे करके मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ऐसे भी स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर हमने तो चॉइस लिंक नहीं किया, रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था पर ध्यान नहीं रहा था, तो वो भी कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या हुआ गलत चॉइस लिंक कर दी, मतलब उनको जो कॉलेजेस रखने चाहिए थे, जिनके रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस मिल सकते थे वो उन्होंने रखे नहीं थे, तो उनको भी मॉपअप राउंड में मौका है, अगर उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो। उसके बाद देखो, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड, उन्होंने अपने 500 रुपये भी पे किए, बट उन्होंने क्या अपना चॉइस फिलिंग नहीं किया, मतलब अपने चॉइसेस को उन्होंने फिल नहीं किया, जिन्होंने चॉइसेस को फिल नहीं किया, तो भाई वो भी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कि अपना 500 रुपीज पे कर दिया, बट उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन इस बार आपको पता है
इस बार क्या सीन है आपका, इस बार सीन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने जब रैंक लिया था तब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, तो ये इस बार के लिए मैं बोल सकता हूँ कुछ हद तक ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो यूनिवर्सिटी या तो उसको रिजेक्ट करेगी या आपका एक्सेप्ट करेगी, मतलब वेरीफाई करेगी, या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बोल देगी सब आपको सब्जेक्ट टू, मतलब कुछ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उनको सबमिट करने के लिए बोल देगी, तो ऐसा आपके पास में इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, अपना उसने ₹500 भी पे कर दिया, चॉइसेस उसने फिल की, बट उसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वन से फोर राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है, मॉपअप राउंड के लिए क्या है एलिजिबल है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ये भी आपको समझ आया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें और बाकी का कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया मॉपअप राउंड के बारे में, मॉपअप राउंड आपका वन से फोर राउंड की कंप्लीट होने के बाद में जो सीट वैकेंट बचती है उनके लिए कराया जाता है, मॉपअप राउंड के बाद में भी अगर जब सीट वैकेंट बचता है तो उसके बाद में भी जो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में बचेगा वो खुद के लेवल पे अपना स्पोर्ट काउंसलिंग कराती है, जिसको बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं, स्पोर्ट काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें भी एक चीज़ क्या होता है, वो जो सीट होंगी जो यूनिवर्सिटी खुद अपने लेवल पे कराएगी तो वो आईसीआर कोटा के अंदर नहीं आएगी, ठीक है ना, आईसीआर कोटा के अंदर वो सीट नहीं आएगी, वो यूनिवर्सिटी सीट्स कहलाएगी आपकी, ठीक है ना, ये चीज समझ आया। तो ये तो रहा आपके मॉपअप राउंड के बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है, जिसको फर्स्ट या फोर राउंड के बीच में कोई सीट नहीं मिला हो, या जिसको मतलब पहले क्या होता है उन्होंने अपना ₹500 पे कर दिया बट अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, वो भी एलिजिबल है भाई। जिनको सीट मिल गया है वो एलिजिबल नहीं है, जो सीट छोड़ेंगे वो भी एलिजिबल नहीं है, तो ये गलती मत करना है कि सर अभी हम जो कॉलेज मिला उसको छोड़ के सीधा मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लें, ऐसा नहीं होगा। अब बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में, हाँ, तो मॉपअप के राउंड में आपका कट ऑफ लो रहता है, जनरली कट ऑफ लो रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आईसीआर काउंसलिंग में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं मतलब ध्यान नहीं देते हैं, जिनको सीट मिल जाता है, क्योंकि सीट भी ज्यादा है इस बार तो स्टूडेंट कम होते हैं, तो जिनका लो कट ऑफ होता है, जो उनका लो रैंक आया होता है उनको भी मिलने का पॉसिबिलिटीज रहता है, तो अगर आप ठीक से काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो और जिन स्टूडेंट को देखो मॉपअप के लिए मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो वो मेरे इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप करके कि सर हमको मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग ज्वाइन करना है, तो वो मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आपको कौन कौन से कॉलेजेस फिल करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसमें मॉपअप राउंड के लिए, प्लस स्पोर्ट काउंसलिंग जहाँ भी होगी उन सब के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये जो भी थे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे और इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे कि इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान रखना है मॉपअप राउंड के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, वो कुछ भी रेंडमली अपना जो भी सीट मिला होता है उसको छोड़ के सोचते हैं कि हम मॉपअप के लिए एलिजिबल है, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, आप मॉपअप के लिए जो मैंने चीज़ बताई वही कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, बाकी एलिजिबल नहीं है। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, bye bye, take care and keep smiling and stay connected with the study at home.